मायसेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजीज से रिलेटेड है। थायराइड जो ग्लैंड है उसके द्वारा रिलीज होने वाला जो सामान्य हार्मोन है जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, जो T3 और T4 के संयोजन से बनता है और उनको रिलीज होने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। अपन बात करेंगे उनके बारे में। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से भी रोग होते हैं और उसकी अधिकता से भी क्या होते हैं, रोग होते हैं। सामान्यतः थायरोक्सिन जब हार्मोन की कमी हो जाती है तो एक रोग हम आम तौर पर देखते हैं जिसको हम अपनी भाषा में घेंगा रोग या गलकंड रोग कहते हैं या गोइटर भी बोलते हैं उस रोग को। लेकिन उस रोग के अलावा अन्य रोग भी हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होते हैं। तो आज हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावण से होने वाले चार प्रमुख रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे जो पहला रोग है वो है क्रेटिनिज्म। कौन सा रोग है? क्रेटिनिज्म, जिसको हम बोलते हैं आउटू वामनता या फिर जड़ मानवता। कौन सी मानवता? जड़ मानवता। वामनता का मतलब वामन अवतार से रिलेटेड है। वामन का मतलब बोना होना। क्या होना? बोना होना। तो ये जो क्रेटिनिज्म रोग है ये होता किसकी वजह से है? अल्पस्रावण से। किससे होता है? अल्पस्रावण से। तो याद रखना कि जो चार डिजीज में आप लोगों को अभी बताऊंगा वो सारे के सारे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले क्या हैं, रोग है। तो क्रेटिनिज्म की बात करते हैं सबसे पहले। तो पहला नंबर का पॉइंट, जैसे ही ये रोग आ जाए तो याद रखना कि थायरोक्सिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की किससे होता है? कमी से होता है। क्लियर। नंबर दो पर, किसमें होता है? बच्चों में जब थायरोक्सिन की कमी हो जाए। किसकी कमी हो जाए? थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो उनका शारीरिक और उनका मानसिक जो वृद्धि है, कौन सी वृद्धि? शारीरिक। और उनकी कौन सी वृद्धि? मानसिक जो वृद्धि है वो मंद पड़ जाती है। मंद का मतलब उनमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। नंबर तीन जो लक्षण है, हाथ पांव बेडोल हो जाते हैं। हाथ और पांव जो है वो बेडोल हो जाते हैं, यानी सही शेप में नहीं होते। क्लियर यहां तक? फिर उनकी जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है, आधारी उपापचय दर, उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो हम कह रहे हैं कि थायरोक्सिन की कमी से होता है। बच्चों में जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो शारीरिक व मानसिक वृद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। हाथ पांव कैसे हो जाते हैं? बेडोल हो जाते हैं। आधारी उपापचय की दर में क्या हो जाती है? कमी। जो बच्चे हैं वो बोने रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? बोने, ड्वार्फ रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? ड्वार्फ रह जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब अपन कहेंगे कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं उनको हम क्रेटिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटिन्स। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेटिन्स किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से उपरोक्त लक्षण प्रकट होते हैं। या अपन बता सकते हैं कि बच्चों का बोना होना, आधारी उपापचय दर में कमी, हाथ पांव बेडोल होना और बच्चों में शारीरिक व मानसिक जो वृद्धि है वो मंद रह जाती है, ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटिन्स। एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर यहां पर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो क्रेटिन्स होते हैं, ऐसे बच्चे जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, इनमें जननांग भी विकसित नहीं होते। क्या विकसित नहीं होते? जननांग, यानी जनन वाले जो अंग है वो भी क्या नहीं होते? विकसित नहीं होते। और जनन वाले अंग विकसित नहीं होते तो ये बच्चे क्या रह जाते हैं? बंदे रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? बंदे। तो आज हम लोगों ने पहला जो डिजीज है उसका नाम है क्रेटिनिज्म, उसके बारे में पढ़ा। क्रेटिनिज्म जो डिजीज है उसके ये लक्षण पड़े हैं, ये कमी के द्वारा होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्रेटिन्स। क्या बोलते हैं? क्रेटिन्स। कि क्रेटिन्स क्या है? तो इन सभी जो लक्षण हैं इनको अपन ने एक नाम दे दिया, क्रेटिन्स। जैसे ही ये शब्द आ जाता है सारे लक्षण आप लोगों के दिमाग में आ जाने चाहिए और ये रोग तो हुआ कंप्लीट। अब जो दूसरा रोग है उस दूसरे रोग के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिक्सिडीमा। कौन सा रोग बोलते हैं? मिक्सिडीमा। दूसरा जो रोग है जो अल्पस्रावण के द्वारा होता है उसे हम बोलते हैं मिक्सिडीमा। क्या बोलते हैं? मिक्सिडीमा। हिंदी में बोलते हैं आउटू अल्पक्रियता, आउटू
अल्पक्रियता, दूसरा जो हमारा डिजीज है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। अब देखना इसके लक्षण क्या है, ये प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है, कौन से व्यक्तियों में होता है, प्रौढ़ व्यक्ति में, यानी हम बोल सकते हैं 35 टू 40 ईयर की जब एज हो जाती है तब इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। क्या लक्षण है, देखो जो पहले हम लोगों ने रोग पढ़ा था कौन सा, जड़ मानवता वाले, वो लक्षण तो है, यानी शारीरिक या मानसिक रूप से वो क्या है, मंद है, आधारिक उपापचय की दर में क्या है, कमी है, हाथ पांव क्या है, बेडोल है। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण है, बालों का झड़ना, किसका झड़ना, बालों का झड़ना, नेक्स्ट त्वचा मोटी होना, त्वचा क्या होना, मोटी होना, फिर कौन से लक्षण आएंगे, त्वचा का पीला पड़ना, त्वचा का क्या पड़ना, त्वचा का पीला पड़ना, फिर उसके बाद में स्मरण शक्ति कमजोर होना, कौन सी शक्ति कमजोर होना, स्मरण शक्ति का क्या होना, कमजोर होना, और जो हम ये बोल सकते हैं कि जनन करने की क्षमता उसमें भी क्या आ जाती है, कमी, कौन सी क्षमता में, जनन करने की क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जनन करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये लक्षण किसके हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, मिक्सिडीमा रोग के, कौन से रोग के हैं, मिक्सिडीमा। हम ये कह रहे हैं कि मिक्सिडीमा भी थायरोक्सिन के अल्पस्रावण से होता है, सामान्यतः ये रोग प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है, कौन से व्यक्तियों में होता है, प्रौढ़, तो क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है कि प्रौढ़ व्यक्तियों में थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग बताइए, तो कौन सा रोग है, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा के लक्षण क्या है, तो जड़ मानवता तो है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्रेटिनिज्म वाला, जड़ मानवता वाले लक्षण तो है, इसके साथ में ये लक्षण और पैदा हो जाते हैं प्रौढ़ व्यक्तियों में। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये लक्षण कौन से रोग के हैं, आउटू अल्पक्रियता रोग के, कौन से रोग के हैं, आउटू अल्पक्रियता के। अब हम जो तीसरा रोग है वो पढ़ेंगे, तो तीसरा जो रोग है उसको हम लोग सामान्य भाषा में गलकंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलकंड बोलते हैं, या घेंगा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घेंगा बोलते हैं। तो तीसरा जो रोग है वो है गोइटर, 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 या हम इसको हम क्या बोलते हैं, गलकंड रोग। गलकंड रोग में क्या होता है, थायराइड जो ग्रंथि है वो फूलकर क्या हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है, और जब थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है तो गला भी व्यक्ति का क्या हो जाता है, मोटा, थ्रोट वाला पार्ट और नेक वाला पार्ट भी क्या हो जाता है, मोटा। सामान्यतः यह जो रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है, कौन सी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, क्लियर यहां तक। इस रोग का लक्षण क्या है, तो हम कहेंगे कि जो थायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि साइज में बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की गर्दन व व्यक्ति का गला फुला हुआ रहता है, कैसा रहता है, फुला हुआ रहता है। इस रोग को हम कौन सा रोग बोलते हैं, गोइटर रोग बोलते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल क्षेत्र में या गढ़वाल प्रदेश वाले लोग, गढ़वाल क्षेत्र के लोग या प्रदेश के जो लोग हैं उनमें ये रोग अधिक क्यों पाया जाता है, उधर ये रोग क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि वहां पर किसकी कमी अधिक है, वहां के जो पानी है उसमें मिनरल्स की कमी है, आयोडीन की वहां क्या है, कमी, और इस आयोडीन की कमी से वहां के जो व्यक्ति है उनकी थायराइड ग्रंथि जो है वो फूल जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, क्लियर। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो भी हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो भी व्यक्ति है उनमें ये रोग क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट रोग, ऑटो इम्यूनिटी, मैंने आप लोगों को एक बार नाम बताया था, स्व प्रतिरक्षा रोग, कौन सा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग, अपन बात करते हैं उसी के बारे में। हाशिमोटो रोग, कौन सा रोग है, हाशिमोटो रोग। ये हाशिमोटो जो रोग है इसको हम ऑटो इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, और ऑटो का मतलब स्व, यानी कौन सा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग का मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही इस रोग को क्या करेगा, हमारे शरीर में पैदा करेगा।
तो क्या है ये हाशिमोटो रोग, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाए कमी, तो वो बाहर से क्या लेगा, दवाइयां। इन दवाइयों को हमारा शरीर एंटीजन मान लेता है, क्या मान लेता है हमारा शरीर एंटीजन, और एंटीजन मानकर हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, एंटीबॉडी का, किसका फॉर्मेशन कर देता है एंटीबॉडी का, और वो जो एंटीबॉडी है वो हमारी कौन सी ग्लैंड को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है, थायरॉइड ग्लैंड को नष्ट करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। और जब थायरॉइड ग्लैंड हमारी नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो इसे हम कौन सा रोग बोल सकते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग, या इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाशिमोटो रोग या सुसाइड ऑफ थायरॉइड या थायराइड की आत्महत्या, किसकी, थायराइड की आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब समझे, क्योंकि थायराइड ने खुद ने सुसाइड कर लिया, कैसे कर लिया सुसाइड, हम तो ये कह रहे थे कि अल्पस्रावण हुआ था थायरोक्सिन का, इसलिए हम लोगों ने क्या ली, मेडिसिन। मेडिसिन को हमारी जो बॉडी है उसने क्या मान लिया, एंटीजन, और हमारी बॉडी ने जब उसको एंटीजन मान लिया तो शरीर ने किसका फॉर्मेशन कर दिया, एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी का निर्माण हो गया तो वो एंटीबॉडी किसको नुकसान पहुंचाएगी, थायराइड ग्रंथि को, तो थायराइड ग्रंथि क्या हुई, नष्ट हुई, तो थायराइड ग्रंथि नष्ट हुई तो ये रोग कहलाएगा कौन सा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग। और ये जो स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है, मतलब समझ में आ गया कि कभी कभी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी स्वयं की कोशिकाओं को एंटीजन मानकर और उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है, ऐसा रोग कौन सा रोग कहलाता है, स्व प्रतिरक्षा रोग। वापिस से क्लियर कर लेना कि कभी कभी हमारी जो बॉडी है वो हमारी कोशिकाओं को ही एंटीजन मान लेती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है और उन कोशिकाओं को क्या कर देती है, मार देती है। ऐसे रोग कौन से रोग कहलाते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग। और ये स्व प्रतिरक्षा रोग का एग्जाम्पल ही है कौन सा रोग, हाशिमोटो रोग, जिसे थायराइड की क्या कहते हैं, आत्महत्या। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड क्या है, या थायराइड की आत्महत्या क्या है, या फिर हाशिमोटो रोग क्या है, क्लियर हुआ यहां तक। तो आज हम लोगों ने चार रोगों के बारे में पढ़ा है, ये चारों रोग थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावण से होते हैं, कौन से स्रावण से होते हैं, अल्पस्रावण से होते हैं। अब इनका इलाज क्या है, इनका इलाज यही है कि यदि हम थायरोक्सिन की मात्रा प्रॉपर लें, किसकी मात्रा, थायरोक्सिन की मात्रा बाहर से प्रॉपर लें तो इन रोगों को ठीक किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो चार रोग हुए, अब हम पढ़ेंगे कि यदि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण ज्यादा हो जाए तो फिर कौन से डिजीज होगी। अब हम लोग बात करेंगे कि यदि थायरोक्सिन का स्रावण अधिक होता है, थायरोक्सिन का स्रावण क्या होता है, अधिक होता है, तो कौन से रोग होते हैं। तो सामान्यतः क्या है, थायरोक्सिन का स्रावण अधिक होने पर हृदय स्पंदन की दर बढ़ती है, किसकी दर बढ़ती है, हृदय स्पंदन की दर अधिक होने पर स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहता है, व्यक्ति को अधिक क्या आता है, पसीना आता है, व्यक्ति को अधिक क्या आता है, पसीना आता है, तथा उसके हाथ पांव में, हाथ पांव में कपकपाहट रहती है, क्या रहती है, कपकपाहट रहती है, ठीक। ये सामान्य लक्षण है कब, जब थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी मात्रा शरीर में क्या हो जाए, अधिक। एक कुछ डिजीज भी बता रखी है कि थायरोक्सिन के अत्यधिक स्रावण से कौन सा रोग होता है, तो यह है एक्सोपैथेलेमिक गोइटर, नेत्रोसेंधी गलगंड रोग। कई लोगों को आप देखोगे जिनको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी और आप लोग आसानी से कुछ सामान्य लक्षणों के द्वारा ये पता लगा सकते हो कि इस व्यक्ति को कौन सा रोग है। तो इसको अपन समझे कैसे, ये नेत्रोसंधि, ये तो कंफर्म हो गया कि आंखों से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, रोग भले ही आंखों से रिलेटेड हो लेकिन ये रिलेटेड है थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। तो जो नेत्र गोलक होता है, ये आंखें कुछ इस प्रकार से होती है, अंदर की साइड के अंदर वो कॉर्निया और ये इस प्रकार का कुछ पाया जाता है, इसी टाइप की होती है आंखें कुछ। इसमें क्या होगा कि ये जो नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है, यहां श्लेष्म जमा हो जाएगा, क्या जमा हो जाएगा, श्लेष्म, जो कॉर्निया होता है ना ब्लैक कलर वाला, उसके चारों तरफ की जो अपने को पारदर्शी सा दिखता है ना, वहां पर क्या जमा हो जाता है, श्लेष्म जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है, श्लेष्म। पहला लक्षण कि नेत्र गोलक में, कौन से गोलक में, नेत्र गोलक में
श्लेष्म जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है, श्लेष्म जमा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, नेत्र गोलक बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, नेत्र गोलक कहां निकला हुआ दिखाई देता है, बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, क्लियर। फिर उसके बाद में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो दृष्टि है, देखने का तरीका है, वो एकदम डरावना लगता है, कैसा लगता है, डरावना, या ऐसा लगता है कि व्यक्ति किसी को घूर रहा है, व्यक्ति किसी को क्या रहा है, घूर रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। वापिस से देखिए ना कि नेत्रोसंधि गलगंड रोग थायरोक्सिन के दिक्कत से होता है। नेत्र गोलक में किसका जमाव हो जाता है, श्लेष्म का। गोलक कहां निकले हुए दिखाई देते हैं, बाहर। ऐसा रोग नेत्रोसंधि गलगंड रोग कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति की दृष्टि डरावनी और घूरती हुई नजर आती है। क्लियर हो गया, बस इतना ही याद करना है। उसके अलावा जो डिजीज है वो है आप लोगों का प्लूमर रोग। कौन सा रोग है, प्लूमर रोग। प्लूमर रोग के बारे में अपन लोग बात करेंगे, प्लूमर। अब जो इसी के अधिक श्रावण से जो छोटे छोटे रोग हैं वो है पहले नंबर पे प्लूमर रोग। प्लूमर रोग एक एक नंबर के ही हैं ये, तो आए तो याद रखना। प्लूमर रोग क्या है, थायराइड जो ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड जो ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड में जगह जगह पर क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है, जगह जगह पर क्या बन जाती है, गांठें बन जाती है। यह रोग कौन सा रोग कहलाता है, प्लूमर रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है, प्लूमर रोग कहलाता है। और लास्ट जो रोग है वो है ग्रेवी का रोग, ग्रेवी रोग। कौन सा रोग है, ग्रेवी रोग। क्या है ग्रेवी रोग, तो ग्रेवी रोग में अपन बोलेंगे कि जो थायराइड ग्रंथी है, कौन सी ग्रंथी है, थायराइड ग्रंथी है, उसके फूलने की अवस्था को, उसके फूलने की अवस्था को, इसको फूलने की अवस्था को ही हम कौन सा रोग कहते हैं, ग्रेवी रोग कहते हैं। तो आज हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड से रिलीज जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके अल्प श्रावण से और उसके अत्यधिक श्रावण से होने वाले रोगों के बारे में बात की। थायरोक्सिन की जब कमी हो जाती है तो चार रोग अपन लोगों ने पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर क्रेटिनिज्म, दूसरे नंबर पर मिक्सिडीमा, तीसरे नंबर पर गोइटर और चौथे नंबर पर था होशिमोटो डिजीज। और यदि उसका श्रावण अधिक हो जाता है तो हम लोगों ने तीन रोग पढ़े हैं, प्लूमर का, ग्रेवी का और नेत्रोसंधि गलगंड का। थायराइड जो ग्लैंड है वो पूरी कंप्लीट पढ़ ली है हम लोगों ने। इससे रिलेटेड यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पूरा वीडियो वॉच करें, और जो भी जिन भी स्टूडेंट्स के ये उपयोगी है उनको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू सो मच।